जहां एक तरफ आमिर खान अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए जोरों शोरों से शूटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो काफी परेशान भी है। आमिर की परेशानी की वजह है रजनीकांत की फिल्म 2.0। दरअसल आमिर खान ने अपने बर्थडे के मौके पर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने फैंस के पूछे गए सवालों के जवाब दिए और इस दौरान उन्होंने फिल्म 2.0 के साथ क्लैश को लेकर बड़ी बात कही है। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टार फिल्म 2.0 से थग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लैश के सवाल का जवाब देते हुए आमिर ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 2.0 बड़ी फिल्म है, इसके डायरेक्टर शंकर है। ये ऐसी फिल्म है जो मैं भी देखना चाहूँगा। रजनीकांत बहुत ही बड़े स्टार हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे साथ ना आए, वरना हमें परेशानी हो जाएगी। वहीं कुछ समय पहले हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए भी आमिर खान ने ये स्टेटमेंट दिया था। देखिए, भारत में केवल 5,000 स्क्रीन है और किसी भी बड़ी फिल्म का प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसकी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स मिले। इसलिए अगर थग्स ऑफ हिंदुस्तान और 2.0 में क्लैश होता है तो दोनों ही फिल्मों को नुकसान होगा। जहां तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि ये भिड़त ना हो। हालांकि कई बार मौके ऐसे पड़ जाते हैं कि भिड़त को टाल पाना मुश्किल होता है। साफ है कि आमिर इस बात से काफी घबराए हुए हैं और काफी परेशान भी हैं और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लैश ना हो पाए। वहीं 2.0 की रिलीज डेट को लेकर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई तो दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। आपको क्या लगता है, बताइए अपनी राय।